लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है। तो नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बन के अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। अमित शाह जी आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी गुस्सा नहीं आता आपको क्यों आते हैं इतना? जब राजा अंधा रहते हैं, भीतरा से जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए सर देखिए ये नो कॉन्फिड मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिड मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर के मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है सर, क्विट इंडिया होना चाहिए, क्विट इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया, क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। आजादी के साम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद लोहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर के दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। सर ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, मणिपुर के आम लोगों की मांग था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में, एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में। उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में
ये मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी ये मुद्दा चर्चा में थे, तो हमारी तरफ से ये बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर का मणिपुर इश्यू कैनॉट बी कंफाइंड टू एनी स्टेट और एनी नेशन. इट्स ऑलरेडी एज्यूम्ड अ ग्लोबल डायमेंशन. दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंशन इज इंडिस्पेंसिबल, इज कॉल फॉर. दैट वॉज आवर आर्गुमेंट. देयर इज नो हार्म ऑफ इट. सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है. तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधार रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी. आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं. तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते. मणिपुर मान्य जगजी, इस सदन की एक गरिमा है देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता. आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहे. अमित शाह जी आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, चर्चा की मुद्दा है. आप मुद्दा पे बोलिए सर. मुद्दा पे तो बोलते हैं सर. बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके. हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके. वो तो कैरिबियन समुद्र के बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते. तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए. मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहां हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं. माफी मांगना चाहिए इनका, पार्टी इनको समय नहीं दिया. जैसे गृहमंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका छवि से लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, चांद से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर. चीता तक ये नीरव मोदी को फोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं. सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए, आप मुद्दे पे बोलिए. बड़े दावे की बात कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए, चोट पहुँचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते. अच्छा, आप लोग भी हो रहे हैं. ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर पूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं हुई है. यही मैं जाहिर करना चाहते हैं. संयम पे बोले आप सर. अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर के और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती. लोग हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं. अमित शाह जी, कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने. आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किए हैं. याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं. बफर जोन कहाँ बनते, लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते. इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड. नहीं सर, प्लीज कंक्लूड सर. कैसे सर? ओके.